वेलकम दोस्तों, आज बहुत ही ज़्यादा टेस्टी हम डेजर्ट बनाने वाले हैं, वो भी बहुत ही ज़्यादा आसानी से। कस्टर्ड पाउडर मैंने यहाँ पे 2 चम्मच ले लिया है और उसको मैंने थोड़ा सा दूध डाल के इसको अच्छे से मिक्स करके हमें कस्टर्ड मिल्क जो है वो रेडी कर लेना है। 1/2 किलो दूध के हिसाब से 2 चम्मच कस्टर्ड पाउडर। इसके बाद दूध को हमें गर्म करना है, साथ में हमें इलायची पाउडर डाल देना है ताकि इसकी जो खुशबू है वो बहुत ही ज़्यादा अच्छी आए। इसके बाद हम इसमें डालेंगे चीनी, तो मैं यहाँ पे 6 से 7 चम्मच चीनी डाल रही हूँ। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा कर सकते हैं। हमें इसको अच्छे से गर्म कर लेना है दूध को। इसके बाद हम इसमें साथ में ही हम ऐड कर देते हैं ड्राई फ्रूट्स। कुछ ड्राई फ्रूट्स हम रख देंगे बाद में गार्निशिंग के लिए, कुछ अभी हम इसमें ऐड कर देंगे। अब इसको हमें ऐसे ही मीडियम फ्लेम पर इसको पकाते रहना है। फिर हमने जो कस्टर्ड मिल्क रेडी कर लिया था उसको हमें एक बार अच्छे से कर लेना है मिक्स। इसके बाद में हम इसको चलाते हुए इसके दूध के अंदर हमें कस्टर्ड मिल्क जो है वो डाल देना है ताकि गुठलियाँ जो है वो ना बने। आप देख सकते हैं ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी डेजर्ट बनने वाला है और बहुत ही ज़्यादा आसानी से। इसके बाद में थोड़ा सा कलर देने के लिए मैं यहाँ पे फूड कलर ऐड कर रही हूँ। आप इसको स्किप भी कर सकते हैं अगर आपके पास कलर अवेलेबल ना हो तो। इसके बाद अच्छे से इसको मिक्स कर लेना है। इसको ज़्यादा गाढ़ा नहीं कर रही हूँ मैं, इसको मैं जो है पतला ही रख रही हूँ। आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके से कंसिस्टेंसी इसकी होनी चाहिए। अब हमें इसको अच्छे से ठंडा कर लेना है। तो जब तक ये ठंडा होता है तब तक हम ब्रेड की तैयारी करते हैं। जितनी भी आपको ब्रेड लेनी है आप ले लीजिए, उसके कॉर्नर्स को जो है वो आपको अच्छे से कट कर लेना है। सावधानी से एकदम आपको कॉर्नर्स कट कर लेने हैं। इसके बाद में ये 2 ब्रेड है, इसको एक दूसरे के ऊपर रख के आप इसको चाकू की मदद से इसको भी एकदम सावधानी से कट कर ले, आप देख सकते हैं। फिर इसको मैं और कट कर ले रही हूँ और इसी तरीके से ट्रायंगल शेप में मैंने यहाँ पर 4 बना लिए। इसी तरीके से जितने बनाने बना लीजिए। एक कटोरी लेनी है, इसके अंदर मैं ले रही हूँ मिल्क पाउडर, उसी के साथ में चीनी और उसी के साथ में हम लेंगे मिल्क और ड्राई फ्रूट्स। फिर हमें करना है इन सबको अच्छे से मिक्स। अब ये जो है अभी हम जो है ब्रेड के अंदर फिल करेंगे, इसलिए हम ये जो है रेडी कर रहे हैं। तो थोड़ा ये गाढ़ा होना चाहिए इसलिए मैंने इसके अंदर ब्रेड क्रम्स ऐड कर लिए थे। वो जो ब्रेड के कॉर्नर्स बच गए थे उसको आप मिक्सी में पीस कर इसको बना सकते हैं। फिर हमें जो है इसके अंदर इसको फिल कर लेना है ताकि जो है ये अंदर से भी बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगे। इसको कर लेते हैं पैक। ठीक इसी तरीके से आपने जितनी भी ब्रेड है सबको फिल करके तैयार कर ले। इसके बाद में आपको एक ट्रे लेनी है या फिर जिसमें भी आपको सर्व करना है, जिसमें भी बनाना है उसमें अच्छे से इसको सेट कर लीजिए। इसके बाद में तब तक जो है हमारा कस्टर्ड मिल्क भी एकदम ठंडा हो चुका है, इसको हम इसके ऊपर अच्छे से जो है कोट कर लेते हैं, डाल देते हैं। इसको जब आप फ्रिज के अंदर रख के ठंडा ठंडा इसको खाएंगे ना, बहुत ही ज़्यादा मज़ा आएगा। ऐसा लगेगा कि कितना टेस्टी है और बहुत ही आसानी से बन जाता है। इसके ऊपर आप ड्राई फ्रूट्स रख सकते हैं। उसी के साथ मैं यहाँ पर केसर ले रही हूँ इसको डेकोरेट करने के लिए, गार्निश करने। कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको ये कैसी लगी। आपको ये वीडियो कैसी लगी वो कमेंट करके आप मुझे ज़रूर बताएं। और उसी के साथ साथ आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि यहाँ पे आपको इजी और यूनिक और बहुत ही टेस्टी वीडियोस मिलेगी।